बनमनखी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने अपने क्षेत्र के काजी ग्राम में कार्यकर्ताओं के सम्मान में कार्यकर्ता सम्मान का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तथा बनमनखी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि उपस्थित थे, जिसमें भाजपा के जिला मंत्री संतोष चौरसिया भी मौजूद थे। साथ ही साथ बनमनखी विधानसभा के 14 पंचायत के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। यह सम्मान कृष्ण कुमार ऋषि के पुनः विधायक बनने की खुशी में रखा गया था, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को गेरुआ रंग का गमछा, एक डायरी, एक कलम देकर सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर पत्रकारों को भी अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। विधायक कृष्ण कुमार ने कहा कि बनमनखी विधानसभा क्षेत्र में कुल 14 पंचायत हैं। बूथ अध्यक्ष ने काफी मेहनत किया है, इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, आज सभी बूथ अध्यक्ष की मेहनत के बदौलत ही जीत हुई है, उसी के सम्मान में यह समारोह किया गया है। यहाँ बनमनखी ग्रामीण मंडल का, जिसमें 14 पंचायत, इसमें सभी बूथ अध्यक्ष ने काफ़ी मेहनत किया था, पार्टी के अंदर सभी प्रभारी ने काफ़ी मेहनत किया था। इसी मेहनत के अनुरूप हम सभी लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है, सभी बूथों पर कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत जीत हुई है, इसलिए कार्यकर्ताओं को सम्मान निश्चित रूप से होना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ संतोष जी को, उन्होंने कार्यकर्ता के सम्मान में अग्रणी भूमिका निभाई है, इसीलिए यह कार्यक्रम हुआ। आपने देखा कि बिहार में NDA की सरकार बनी, निश्चित रूप से खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी ईमानदारी पूर्वक कर्मठ रूप से काम करते हैं, इसीलिए सरकार के बूथ जीतो तो सब कुछ जीत सकते हैं। उस समय के माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था कि बूथ जीतो देश जीतो, इसीलिए जो हमारे मेहनती कार्यकर्ता है वो सम्मान के लिए यह कार्यक्रम रखा। ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉगिन करें www.rpsbiharsarif.com। चाहते तो ये न्यूली मैरिड कपल आज सृष्टि के विनाश में भागीदार बन सकते थे पॉलीथीन लेकर, पर भाभी जी ने पर्यावरण के प्रति अपना प्रचंड प्रेम जताते हुए कपड़े की थैली निकाली और भैया जी का दिल गार्डन गार्डन कर डाला। तो आप भी भाभी जी की तरह शहर को सिंगल यूज प्लास्टिक की पनौती से बचाएं और अपने शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण में अव्वल बनाएं। मिशन वही, शुरुआत नहीं।